एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, एक बिग अपडेट है। फाइनली SOL के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MBA के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिग अपडेट है, फाइनली SOL ने अपने जो एडमिशन फॉर्म है उनको जारी कर दिया है 2024 के लिए। तो अभी हम SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जिसकी वेबसाइट लिंक है sol.du.ac.in। तो अभी इस वेबसाइट पे आओगे तो आप देख सकते हो एडमिशन की जो डेट है वो आज थी, जो कि शुरू हो चुकी है। अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ब्लिस के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और MBA के जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी ये फॉर्म 102 दिन बाद भरना, अभी काफ़ी दिन एडमिशन चलेंगे, जस्ट अभी स्टार्ट हुए। कैसे फॉर्म भरना वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए फॉर्म कैसे फिल करें, पूरी कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है UG एडमिशन, PG एडमिशन, MBA एडमिशन। तो मान लीजिए अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना है BA BCom में, तो हम UG पे क्लिक करेंगे। जैसे हम UG पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा, तो आपके सामने आ सकता है, देख सकते हो आप, क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी इसके जो रजिस्ट्रेशन है, जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट के। मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो PG के जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ भी आ चुका है। और बात की जाए आपके MBA की, तो MBA के जो एडमिशन है वो भी आपके अभी तो जस्ट शुरू हुए नहीं है, पर ठीक है रजिस्ट्रेशन इसके भी शुरू हो चुके हैं। तो तीनों के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिए गए, UG PG और MBA के जो एडमिशन है SOL के वो शुरू हो चुके हैं। अब अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, लास्ट डेट डिसाइड करेगा UGC, ठीक है। तो अभी लास्ट डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट जो एडमिशन है आज से शुरू हो चुके हैं। फ़ीस की मैंने आपको पहले ही बता दी है, फ़ीस 8,000 से ऊपर आपकी जाएगी अगर आप BA BCom किसी में भी एडमिशन लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, फ़ीस इसमें बढ़ गई है पिछले साल से, और एडमिशन फॉर्म जारी हो चुके हैं, अभी एडमिशन चलते रहेंगे अगस्त तक। और रही बात, अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उस वीडियो को देख के आप घर बैठे ही अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। तो बिग अपडेट ये है कि फाइनली SOL के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं, और अब आप SOL में एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी फ़ीस की स्ट्रक्चर को लेकर मैं बताया था, लेकिन तब भी काफ़ी स्टूडेंट कहते सर फीस स्ट्रक्चर के लेकर बता दीजिए। तो अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस ही मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फीस की बात की जाए, BA प्रोग्राम की फीस है 8,320 रुपये, अगर आप BA प्रोग्राम में कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हो 11,320 रुपये, ये एक साल की फ़ीस है एडमिशन की, ठीक है। BA प्रोग्राम में साइकोलॉजी की फीस है 11,320 रुपये, फिर आपकी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की फीस है 8,820 रुपये, BA ऑनर्स इंग्लिश की फीस है 8,820 रुपये, BCom की फीस है 8,320 रुपये, और BCom ऑनर्स की फीस है 8,820 रुपये, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की फीस है 8,820 रुपये, BBA की फीस है, BBA करते 18,970 रुपये, 3 साल के कोर्स है ये, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी BMS की फीस है 18,970 रुपये, BA ऑनर्स साइकोलॉजी की फीस है 21,970 रुपये, ठीक है। तो फीस है, बढ़ चुकी है फीस, ठीक है। तो एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। वही अगर मैं बात करूँ आपके PGG की, PG की फीस ही मैं आपको दिखाता हूँ, PG की फीस अभी कितनी जाएगी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ीस भी आपकी 9,370 रुपये मैक्सिमम आपकी रहने वाली है एक साल की, ठीक है। तो बिग अपडेट ये है, फाइनली SOL के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के और MBA के। और बाकी अभी थोड़ा 2 से 3 दिन का वेट कर लो, क्योंकि फॉर्म में ग्लिचेस आ सकते हैं, और मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा कि फॉर्म आप घर बैठे कैसे फिल कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू।